वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आप 2022 में एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी साल यानी कि 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाली टाटा सुजुकी, ह्युंडई जैसे टॉप ब्रांड्स के कुछ नए मॉडल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 2022 में लगभग हर टॉप कार निर्माता कंपनी अपने अपडेटेड मॉडल्स को मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो ये आपके लिए अपने पसंदीदा ब्रांड की एक शानदार कार खरीदने का सुनहरा मौका है। तो देखते रहिए हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की 9 कारें की रिव्यू आपको अपनी पसंदीदा कार चुनने में मदद करेगी। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एक पर है टाटा पंच CNG। दोस्तों, उम्मीद की जा रही कि टाटा की ये नई मॉडल जनवरी 2022 में भारत में लॉन्च होगी। वर्तमान में CNG विकल्प की कार को पेशकश करने वाले दो पॉपुलर ब्रांड हैं, मारुति सुजुकी और ह्युंडई। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में टाटा की CNG विकल्प वाली इस शानदार कार को भी पॉपुलैरिटी मिलने की उम्मीद है। टाटा पंच CNG के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 6000 RPM पर 84 BHP और 3300 RMP पर 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। 5-स्पीड मैनुअल और AMT विकल्प के साथ मिलेगा। टाटा पंच सुरक्षा के मामले में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। ये कार पैसेंजर्स को पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। कार की प्राइस आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेगी। देसी ब्रेड टाटा की इस लेटेस्ट कार को आप महज 5,49,000 रुपए में खरीद सकते हैं। नंबर 2 पर है ह्युंडई स्ट्रैगेजर MPV। ह्युंडई कार निर्माता इंडिया में अगले 2 से 3 सालों में कुछ बेहतरीन कारों को लॉन्च करके इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने जड़ को और मजबूत करने की योजना बना रही है। ह्युंडई कार के फीचर्स अच्छे होते हैं, जिस वजह से लोग ह्युंडई कार को काफी पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्युंडई स्टारगेजर के फीचर्स में ह्युंडई स्टार या MPV से कुछ समानता देखने को मिल सकती है। कार के इंटीरियर डिजाइन के बारे में हमें अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ह्युंडई कंपनी इस नए मॉडल को ADAS के साथ अपग्रेड कर सकती है, जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन चेंजिंग असिस्टेंट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर मिल सकता है। ये कार 6 या 7 सीटर के साथ आती है, जिसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर है। दोस्तों, नई ह्युंडई स्टारगेजर को 1.5L 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5L टर्बो डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जा सकता है, जहां पेट्रोल इंजन 145 Nm के साथ 113 BHP की पावर पैदा करता है, वहीं ऑयल बर्नर 250 Nm के साथ 113 BHP की पावर उत्पादन करने में सक्षम है। कार को भारतीय बाजार में 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। ये कार भी ह्युंडई का एक किफायती मॉडल है। नंबर 3 पर है 5-डोर फोर्स गोरखा। इस शानदार 5-डोर कार के 2022 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। मौजूदा 2-डोर फोर्स इंडिविजुअल सवारी के लिए है, लेकिन आने वाली 5-डोर फोर्स गोरखा को फैमिली कार के मॉडल पर डिजाइन किए जाने की उम्मीद है। कार की लंबाई 2 डोर से ज्यादा होगी, जो लंबे व्हील बेस पर चलेगी। साथ ही कार के पिछले सीट और बूट दोनों में ही अधिक जगह मिलेगी। दोस्तों, इस SUV कार को 2.6 लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जो अधिकतम 90 BHP की शक्ति प्रदान करेगा, जो पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 5 BHP की अधिक शक्तिशाली है। कार के ट्रांसमिशन ड्यूटीज को 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा कार में सर्कुलर हेडलैम्प और 16-इंच के अलॉय व्हील भी दिए गए हैं। दोस्तों, ये नई कार बेहद किफायती दाम पर मिल रही है। भारत में इस कार का महिंद्रा थ्रोर के 5-डोर वर्जन से कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। नंबर 4 पर है 2022 ह्युंडई वेन्यू फेसलिफ्ट। ये शानदार मॉडल ह्युंडई का एक और अपडेटेड वर्जन है, जिसे आप 2022 में खरीद सकते हैं। फेसलिफ्ट के फीचर्स की बात करें तो इसमें अलॉय व्हील का नया सेट मिल सकता है। अपडेटेड मॉडल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें कि एक नया टेल गेट और नई LED टेल लाइट शामिल है। कार में एक पतला क्रोम बार मिलने की उम्मीद है, जो नए टेल लैंप से जुड़ता है। इसके अलावा स्पोर्टिस डबल बैरल एग्जॉस्ट भी मिल सकता है। 2022 ह्युंडई वेन्यू फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन सेटअप को बनाए रखने की उम्मीद है, जिसमें 1.2 LNA पेट्रोल और 1.0L टर्बो चार्ज पेट्रोल और 1.5L टर्बो डीजल इंजन शामिल है।
ट्रांसमिशन विकल्पों में आपको 5 स्पीड MT के साथ 1.2 लीटर पेट्रोल, 6 स्पीड MT और IMT और 7 स्पीड DCT के साथ 1.0 लीटर टर्बो यूनिट मिल सकता है। Hyundai के इस नए मॉडल को भारत में अप्रैल 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। ये लेटेस्ट कार भारत में 6.99 लाख रुपए में 11.85 लाख के बीच उपलब्ध होगी। Hyundai Venue को Renault Kiga, टाटा Nexon, महिंद्रा XUV300 और मारुति सुजुकी Vitara Brezza से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। नंबर 5 पर है टाटा Altroz Automatic। टाटा Altroz ने 2020 में अपनी शुरुआत की थी और लॉन्च होने के बाद से ही Altroz का सेल का ग्राफ लगातार चढ़ रहा है। 2021 में देखा जाए तो टाटा Altroz की कमाई ने Hyundai i20 को भी पीछे छोड़ दिया था। कंपनी अब भारत में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ टाटा Altroz का अपग्रेडेड मॉडल जनवरी 2022 में लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, इस अपडेटेड वर्जन में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा, जो कि 85 HP की पावर और 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसका 1.5 लीटर टर्बो रोवोटॉर्क 88.77 HP की पावर और 200 Nm का टॉर्क उत्पादन करने में सक्षम है। इसके साथ कार में एक टर्बो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा, जो कि 108 HP की पावर प्रदान करता है। हर इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। टाटा Altroz ऑटोमेटिक का इंटीरियर डिजाइन शानदार लुक देता है और इसकी शुरुआती कीमत होगी 5,64,000 रुपए। नंबर 6 पे है नेक्स्ट जेन Hyundai Verna। दोस्तों, नेक्स्ट जेन Hyundai Verna का डिजाइन लेटेस्ट Altroz मॉडल और सोनाटा के समान होगा। कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें मीडियम साइज का 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन दिया जा सकता है। गियरबॉक्स विकल्प भी दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक विकल्प के साथ समान होने की उम्मीद है। कार का लुक बेहद अच्छा है, जो आपको पसंद आएगा। न्यू Verna की शुरुआती कीमत 9,32,000 रुपए होगी। ये शानदार मॉडल अक्टूबर 2022 में इंडिया में लॉन्च होगा। नंबर 7 पे है सुजुकी जेमनी 5 डोर। इस 5 डोर सुजुकी की मॉडल की लंबाई 3.8 मीटर होगी। जिमनी 5 डोर 300 mm लंबे व्हील बेस के साथ 5 डोर सियारा पर आधारित होगी। कार में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है, जो कि 103 bhp पावर और 138 Nm टॉर्क जनरेट करता है। कार के इंटीरियर डिजाइन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। दोस्तों, कार निर्माता कंपनी सुजुकी जिमनी 5 डोर को भारत में अप्रैल 2022 में लॉन्च करेंगे। नंबर 8 पे है Volkswagen Virtus। जर्मनी कार निर्माता ने फरवरी 2022 में भारत में नई कार Volkswagen Virtus के लॉन्च होने की खबर की पुष्टि कर दी है। नई Volkswagen Virtus का डिजाइन VW सेगमेंट से मॉड्यूलर MQB A0 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। Virtus मौजूदा Vento से काफी बड़ा है। इस लग्जरी कार की लंबाई 4,482 mm, चौड़ाई 1,751 mm और ऊंचाई 1,472 mm होगी। ये नया मॉडल भारत में पुराने Volkswagen Vento की जगह लेगा। दोस्तों, Virtus में आपको 10.25 इंच VW Play इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। पावर ट्रेन विकल्पों के मामले में Volkswagen Virtus में मौजूदा Vento के 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन की पेशकश की उम्मीद है। इसके अलावा गियरबॉक्स विकल्प में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल होने की भी संभावना है। Volkswagen Virtus को आप 10 लाख से 15 लाख के बीच खरीद सकते हैं। नंबर 9 पर है Toyota Bilta। अपडेटेड Toyota Bilta के केबिन डिजाइन और लेआउट को सियाज की तरह ही रखा गया है। कार में आपको 7.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल स्विच जैसे फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, कार निर्माता नए Bilta में 1.5 लीटर और 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन पेश कर सकते हैं, जो कि 105 HP और 138 Nm की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करता है। ये शानदार कार भारत में फरवरी 2022 में लॉन्च होगी। कार की कीमत आपके बजट में ही है। Toyota Bilta को आप महज 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की 9 लेटेस्ट कारों की लिस्ट में किसके फीचर्स आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगे,
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा 2022 में टाटा सुजुकी और ह्युंडई में किस ब्रांड का मॉडल मार्केट में राज करेगा, इस पर भी अपनी राय हमें जरूर बताइए। जैसे कि हर टॉप कार निर्माता 2022 में इंडिया में अपना अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर रही है, ऐसे में लगता है कि आने वाली नई कारों को मार्केट में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है तो आपके दोस्त भी 2022 में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हों, तो ये वीडियो उनको गाइड करेगा। और जो आज पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई कारों की अपडेट के साथ।